हेलो जी, कैसे हैं? आपसे बात करते हूँ, आप सब अच्छे होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं, नई वीडियो आप तक पहुँचती रहें। ये बनाया है मैंने पनीर। तो मैंने 1.5-2 किलो दूध लिया था, उसमें डाल दिया था जैसे नींबू, 1.5 नींबू का रस, और उसमें इतना ही पानी मिला लिया था, और गर्म होने पर मैंने उसमें डाल दिया था, तो ये बन गया पनीर। पनीर मैंने साफ कर लिया है, जैसे पहले तो मैंने फाड़ा, फिर उसको जैसे 5-7 मिनट के लिए रख दिया था, तो अब इसको छान लिया है, इसको ठंडे पानी से धो देती हूँ। तो इसको मैंने अच्छे से साफ कर लिया है, तो अच्छे से पनीर साफ हो गया। उसके बाद यहीं पर इसका पानी है वो निकाल देती हूँ अंदर से, जैसे इसमें रह जाता है पानी थोड़ा सा। तो पानी निकालने के बाद मैं यहीं पर जैसे ये नल है इसके ऊपर लटका देती हूँ, जो इसमें थोड़ा बहुत पानी है वो भी साफ हो जाएगा धीरे 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 धीरे, जो भी पानी है वो। तो मैंने नल से बांधने के बाद मैंने इसको जैसे दबा दिया था थोड़ा सा, तो अच्छा सा जम गया था। फिर उसके बाद मैंने रख दिया था पानी में फ्रिज में, तो अब मैंने निकाल लिया है, तो इसको कट कर लेती हूँ कितना अच्छे से पीसेस बन रहे हैं, जैसे हम लाते हैं वैसा ही बना है। तो 3-4 मैंने टमाटर पीस लिए, 2 हरी मिर्च डाल दी थी उसमें, और छोटी सी डाल दी थी अदरक, और साथ में मैंने पालक साफ करके और धो के मैंने बॉईल कर लिया है, उसको भी पीस लिया है मैंने। तो आज पालक पनीर बनाना है, तो ये सभी सामान मैंने इसका तैयार कर लिया है पालक पनीर बनाने के लिए। अब यहाँ पर चढ़ा दिया कढ़ाई, और कढ़ाई में डाल दिया है तेल। तेल डाला है मैंने सरसों का, जैसे घी भी डाल देती हूँ और सरसों का तेल भी डाल देती हूँ। तो तेल गर्म हो गया था, उसके बाद डाल दिया मैंने 5-6 काली मिर्च। मिर्च डालने के बाद डाल दिया मैंने जीरा। जीरा डालने के बाद इसमें डाल दिया हींग, और जीरा अच्छे से पक गया है, अच्छे ब्राउन होने लगा है। उसके बाद डाल देती हूँ अब हल्दी, जैसे हल्दी पहले पका लेती हूँ, तो हल्दी डाल दी है मैंने इसमें। हल्दी डालने के बाद हल्दी पक गई, उसके बाद डाल दिया मैंने जो टमाटर पीस के रखे थे वो। तो इसको भी अच्छे से मैं मिक्स कर देती हूँ इसमें मसाला। तो ये डालने के बाद अब डाल देती हूँ इसमें मसाला, जैसे टमाटर का कितना अच्छा सा कलर आया, थोड़ा सा मैंने वैसे पका लिया था, तो अब डाल दिया जैसे मसाला। मसाला में डाल दिया धनिया पाउडर, लाल मिर्च, अब डाल दिया नमक, हल्दी जैसे मैंने पहले ही डाल दी थी। बिना लहसुन के प्याज के भी बहुत टेस्टी सब्जी बनती है, तो लहसुन प्याज मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला है इसमें। अगर लहसुन प्याज डल जाए तो वो भी टेस्टी बनती है, तो मैंने डाला नहीं है इसमें। और मसाला डालने के बाद अच्छे से मैंने इसको पका लिया, कितना अच्छा कलर आ रहा है। तो और 5 मिनट तक पकाऊंगी, जैसे इसका तेल है वो अलग होने लगता है मसालों से, तो बहुत अच्छा पके और कलर आता है फिर। तो जैसे ही मसाला पक गए, तो इसके बाद डाल दी है मैंने जैसे पालक पीस के रखी थी वो। तो पालक को मैंने अच्छे से मसाला में मिक्स कर दिया है। उसके बाद जैसे ही इसमें थोड़ी सी चिपकी हुई थी पालक, उसमें डाल दिया मैंने थोड़ा सा पानी, धो के जैसे जार को भी डाल देती हूँ, जैसे पालक चिपक जाती है, अच्छी चिपकी हुई थी इसमें, तो मैंने आधा कटोरी इसमें पानी डाल लिया है, इसको भी डाल देती हूँ इसमें, तो वो भी मैंने डाल दिया है। डालने के बाद अच्छे से इसमें मसाला में फिर मैंने इसको मिक्स कर दिया है। अब इसको जैसे सिम आँच करके और 5-7 मिनट तक अच्छे से इसको पकने देंगे, ताकि पालक भी अच्छे से पक जाए। पकने के बाद जैसे पालक का अलग कलर हो जाता है थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं होता क्योंकि हरा ही रहता है, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है पकने के बाद। जैसे इसका कलर अब जैसे 5-7 मिनट पकी है तो अलग कलर होगा। इसके बाद डाल देती हूँ इसमें जैसे पनीर, मैंने तला नहीं है बिना तला, क्योंकि घर का फाड़ा हुआ पनीर है, घर में ही बनाया था, तो मैंने तला नहीं है, तो बिना ही तले मैंने इसमें डाल दिया है, और बहुत टेस्टी लगता है।
तो पनीर डालने के बाद भी मैंने अच्छे से इसमें मिक्स कर दिया है, और ज़्यादा पतली ग्रेवी नहीं रखूँगी, ऐसी ही ग्रेवी रखूँगी, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालूँगी। इसी में पालक और पनीर साथ में ही अच्छे से पक जाएंगे। तो पालक पनीर बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं। जैसे हम मसाला तैयार कर लेते हैं, पालक बॉईल करके पीस लेते हैं और टमाटरों को पीस लेते हैं, तो उसके बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता पालक पनीर बनाने में। तो पनीर डालने के बाद इसको 5 मिनट के लिए फिर पका देती हूँ। 5 मिनट हो गए हैं, उसके बाद मैंने इसको ढक्कन उगाड़ा तो कलर कितना अच्छा सा आया है, और इसमें मैंने डाल दिया था थोड़ा सा गरम मसाला। और जैसे इसको पकते पकते 4-5 मिनट हो गई थी, उसके बाद मैंने फिर इसको देखा है तो अच्छे से कलर आ गया है और पक गई है जैसे सब्जी। तो 2-3 मिनट के लिए और पकाऊंगी इसको, जैसे मसाला अच्छे से पनीर में चला जाए।